अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाए हैं काले चने। काले चने हमने बॉईल करके रख लिए थे, और काले चने हम मसाले भून के कैसे बनाते हैं वो हम दिखाते हैं अपने तरीके से। यहाँ पे हमने दो अदद बड़े साइज़ के हमने प्याज ग्राइंडर करके रख ली थी, क्योंकि लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट जा रही है आ रही है, तो इस वजह से हमने जो है इसको पहले ग्राइंडर करके इसको फ्रीज कर दी थी। तो इसको हमने ले लिया है दो अदद प्याज ब्लेंडर की हुई, और यहाँ पे हमें दो छोटे चमचे हमने लिए हैं यहाँ पे कुटी मिर्चों के, और यहाँ पे हमने ये काली मिर्चें शामिल की हैं, मोटी मोटी हमने कूट ली थी इसको, काली मिर्चें आधा चमचा, और यहाँ पे हमने एक बड़ा चमचा हमने कुटा हुआ धनिया ले लिया है, साबुत धनिया, और यहाँ पे हमने ये नमक ले लिया हसबी जायका। तो चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी हमें लहसुन अदरक भी लेना है, तो ये लहसुन अदरक हमने पीस के रखा हुआ था, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर लिया है लहसुन अदरक। तो ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं, इसका हम बना लेंगे एक अच्छा सा मिक्सचर। इसको बनाने के बाद फिर हम एक पैन लेंगे या हम एक पतीली लेंगे देखती, उसमें हम तेल ऑयल हम डाल के उसमें ऐड करते हैं। चलें जी, यहाँ देखें हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब हम यहाँ पर ऑयल डालते हैं। देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें जहाँ हमने ये सब चीज़ें ली थी इसमें हम ये सब चीज़ें ऐड करते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने थोड़ा पानी भी शामिल कर दिया है इसमें, जिसमें ये प्याज वगैरह का मसाले थे उसी के प्लेट को हमने हिला के पानी में डाल दिया है। तो अब ये हमारा मसाला भुनेगा अच्छे से, ये मसाला हमारा भून के तैयार होगा, तो इसमें फिर हम काले चने ऐड करेंगे। तो ये देखें, ये हमने चने बॉयल करके रख लिए थे, तो अभी हम जो है चने हम नहीं, यानी कि इतने नहीं लेंगे, हमें जितनी ज़रूरत होगी चने हम उतने ही लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, मिक्सचर हमारा तैयार हो रहा है, इसको हम चलाएंगे। प्याज भी हमारी अच्छी तरह घुल चुकी है, ये देखें। अभी इसको हम मसाला हमारा थोड़ा पकने में थोड़ा टाइम है, तो हम 5-10 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन ढक के रखते हैं, 5-10 मिनट बाद फिर हम इसे देखेंगे। देखते हैं, 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, जी 5 मिनट हमारे मसाला हमारा भूनने का आ गया है। तो ये देखें मसाला अच्छी तरह हम भून लेंगे, ये देखें मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा, तो फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ हम मसाले में ही चने ऐड करेंगे, हम इसमें ना प्याज डालेंगे, नहीं प्याज तो हम डालेंगे इसमें, हम ना टमाटर डालेंगे और ना ही हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने मिर्चें जो इसमें कुटी मिर्च डाली हैं बस वही स्पाइसी हैं। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मसाला समझो हमारा फटाफटा का मसाला हो गया है, तो आप समझें कि मसाला हमारा भूनने पर आ चुका है, और अच्छी तरह भून चुका है मसाला। अगर मसाले में अगर फटाफटा नहीं हुआ है तो समझे मसाला भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो ये देखें मसाला हमारा भून चुका है अच्छी तरह। अब यहाँ पे हम चने हम उतने ही लेंगे जितने की हमें ज़रूरत है, हम ज़्यादा चने नहीं डालेंगे। ये देखें चने हमने कम कर दिए हैं, और अब हम ये सब डालेंगे। बाकी चने हमने निकाल के रख दिए थे, देखें हमने कम कर लिए थे, क्योंकि ज़्यादा चने हम डालेंगे तो मसाला हमारा फिर थोड़े चने के हिसाब से हमने मसाला तैयार किया, जो ग्रेवी हमने तैयार की है वो ज़्यादा चनों के हिसाब से नहीं है, इसे सिर्फ 2 बंदे आराम से खा सकते हैं, 2 या 3 बंदे आराम से खा सकते हैं। इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और तेज़ आंच पे हमें इसको भूनना है, और तेज़ आंच पे हमें इसको भून के फिर हमें इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह छोले हमारे भून चुके हैं, माशाल्लाह ये 3-4 बंदे आराम से खा लेंगे, जिनकी कम खुराक है, और अगर जिसकी ज़्यादा खुराक है तो वो 3 बंदे तो आराम से खाएंगे ही खाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के बहुत स्पाइस छोले बने हैं ये मसाले वाले। मैंने एक छोले आपको दिखाए थे जो मसाला भून के मैंने चढ़ाए थे, वो कच्चे छोले, और ये मैंने दिखाए हैं आपको, ये छोले मैंने अलग से बॉयल किए, बॉयल करके फिर मैंने ये अलग से आपको दिखाए ये मसाला भून। तो चलिए इसमें थोड़े से हम करते हैं प्याज ऐड, थोड़ी सी हम प्याज ऐड करेंगे इसमें, टमाटर हम शामिल नहीं करेंगे, टमाटर हम यहाँ पे हम ऐड नहीं कर रहे। टमाटर अगर सस्ते होते तो हम ऐड करते, टमाटर 400 रुपये किलो मिल रहे हैं हमारी तरफ, आपकी तरफ क्या किलो मिल रहे हैं आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और यहाँ पे जो है अगर आप टमाटर भी ऐड करेंगे तो छोलों का मज़ा दुबाला हो जाएगा, और अगर आप टमाटर ऐड नहीं करें तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ दही इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि खट्टे हमारे मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो खटास, तो इस वजह से मैंने दही ऐड नहीं करा, तो आप यहाँ पे टमाटर ऐड कर सकते हैं।
और हरी मिर्चें चाहें तो हरी मिर्ची भी ऐड करते हैं। हरी मिर्चें मैंने यहाँ इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, तो फिर मेरे घर में मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइट मिर्चें खाई जाती हैं। तो ये देखिए, ये हमने प्याज डाल दिए और माशाल्लाह छोले हमारे रेडी हैं खाने के लिए। अब हम करते हैं इसे डिश आउट। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह हमारे स्पाइसी छोले बनके तैयार हैं। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह हमारे स्पाइसी छोले बनके हो गए हैं तैयार। ये आप दोपहर में खाएं, शाम में खाएं, या पिकनिक वगैरह पे जाएं तो वहाँ भी बना के ले जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, छोले बनके बहुत अच्छे लग रहे हैं और खुशबू भी अच्छी आ रही है और खाने में भी ज़ायक़ेदार हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।